मुझे एक बड़ा अजीब वाक्य याद आ गया और वो वाकई बड़ा हैरत अंगेज है। वो कुर्बानी से रिलेटेड नहीं है मगर ऊंट से रिलेटेड है। हम वो खारादर में बिस्मिल्ला मस्जिद वाली गली में हम रहते थे बिल्डिंग में। तो हुआ ये था कि हमारी बिल्डिंग में हमारे किसी रिश्तेदार की शादी थी और हम सब ने हॉल में जाना था या बारात में जाना था। तो हमारे उस इलाके में ना आपको पता है सब ट्रांसपोर्ट वाले थे, जिसकी उस जमाने में ट्रांसपोर्टेशन ऊंट गाड़ी में काफ़ी होती थी। ऊंट गाड़ियाँ वहाँ काफ़ी खड़िया बाजार की खड़िया बाजार की तरफ और इस पूरे एरिया में। तो उनका कोई ऊंट हो गया पागल। अच्छा, ऊंट पागल होता है ये पहली बार पता चला कि वो कितना खतरनाक होता है। तो वो ऊंट दौड़ता दौड़ता आ रहा था, उसके पीछे लोग आए और एग्जैक्टली उस बिल्डिंग के दरवाजे पर आकर वो लेट गया। और अब उसको जनाब उन्होंने इतनी कोशिश की उस ऊंट को उठाए, वो नहीं उठ सका। अच्छा, हम सब ने बारात में जाना है, पूरी बिल्डिंग के सारे लोग हमारे खानदान वाले इस बिल्डिंग में रहते, सब तैयार, और ऊंट दरवाजे पर है और वो खतरनाक आवाजें निकाल रहा है। और जो हैरत, अब बिलीव करें मुफ्ती साहब, इतनी कोशिश हुई, फिर आखिर तय ये हुआ कि इस ऊंट को ज़िबा करेंगे यहाँ पर। वो ऊंट उसी दरवाजे पर ज़िबा हुआ और ज़िबा होने के बाद बाकायदा बच्चों को ना उस तरह जिस तरह पार्सल नहीं करते, लोग खड़े हो गए और एक एक बच्चे को उठाकर यानी इधर से उस ऊंट के ऊपर से गुजार कर यहाँ रखा गया। और किस तरह बाकी ख़वातीन और घर के अफराद निकले, क्योंकि उसको अभी तो काटने में तो बहुत टाइम लगना था। तो बहरहाल उस तरह हमारा ये ट्रांसपोर्ट हुआ और हम जो है वो दावत में गए। तो वो जिनकी शादी थी, हम उनको अरसे तक याद दिलाते रहे तुम्हारी वही शादी थी कि दरवाजे में ऊँट पागल हो गया। ऊँट ने कहा कि मैंने जो है वो जाना नहीं है छोड़ के, यानी बड़ी प्लानिंग थी उसकी। बहरहाल तो ये हो जाता है जिंदगी में। अच्छा, मैंने ये देखा है कि अच्छा ये होता है कि उस वक्त भी कुछ लोगों का दिमाग काम करता है और चीजों को सॉल्व कर लेते हैं वो लोग। यानी मैंने देखा है कि वाकई उतना उनका टेम्परामेंट होता है। ऐसा कई बार जिंदगी में होता है कि हमें बाजू का सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा होता, मगर कुछ समझदार लोग होते हैं जो पैनिक होने की बजाय उसको सॉर्ट आउट करते हैं। लोग जो है ना, एक तकसीम है। हाँ, कुछ अपनी ताकत, एनर्जी और सलाहियतें, ये बड़ा अच्छा जवाब कहा करता है, प्रॉब्लम पर खर्च करते हैं और कुछ लोग अपनी ताकत, एनर्जी और सलाहियतें प्रॉब्लम के हल पर खर्च करते हैं। 100% ऐसा ही है। एनर्जी हमेशा प्रॉब्लम के हल करने पर खर्च करनी चाहिए, ना कि प्रॉब्लम पर खर्च करनी चाहिए।